इसमें सैयद मोहम्मद हसन अदा फ्रॉम mathhimath.com. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 एंड 6 पार्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.6. एक्चुअली वी हैव टू फाइंड dy by dx एंड y एंड द गिवन इज y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1. ये हमारे पास गिवन है, यहाँ पे हमने dy by dx को फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे आप देखें एक चीज कि ये log का फंक्शन है ये सारे का सारा. तो जो हमारे पास log ऑफ x का फॉर्मूला होता है ये होता है कि जब हम log ऑफ कुछ भी है, log का कोई भी फंक्शन है, उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो सबसे पहले डिनोमिनेटर में चला जाता है. तो यहाँ पे यानी बटे में चला जाता है. तो यहाँ पे हम dy by dx को लेते हैं, यानी हमने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया. ये log के साथ इसका ये जो फंक्शन है ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया. फिर हम इसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं तो ये आ जाएगा d by dx of x plus x square plus 1 का square root. अब सिर्फ इतने से पार्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखें, ये x इसी तरह से आ गया और यहाँ पे x square plus 1 के ये जो square root है, square root की जगह पे हम 1 over 2 लिख लेते हैं. नेक्स्ट स्टेप में ये 1 ओवर x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट इसी तरह से आ गया. अब हम d by dx को इस पे अप्लाई करते हैं. d by dx ऑफ ये x ये 1 आया, यानी ये आ गया dx by dx is equal to 1. नेक्स्ट स्टेप और इसके साथ ही यहाँ पे ये प्लस, अब देखें ये 1 ओवर 2 पावर है, ये 1 ओवर 2 यहाँ पर बैक पर आ जाएगी, यानी 1 ओवर 2 यहाँ बैक पर आई और यहाँ पे x square plus 1 की पावर आ जाएगी 1 over 2 minus 1, जो कि minus 1 over 2 आ जाएगी. और फिर हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं. अब देखें अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो पावर है इस पे पावर लॉ यूज किया है, यानी कि पावर को हमने सॉल्व किया अभी तक कि 1 over 2 बैक पर आ गई और इस पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो minus 1 over 2 आ गया. उसके बाद हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को. तो हमने यानी पावर लॉ यूज करने के बाद ये जो अंदर यहाँ पे ये फंक्शन है इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. सो d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1. अब ये d by dx जब x स्क्वायर पर अप्लाई होगा तो यहाँ भी पावर लॉ यूज होगा. ये यहाँ से पावर यानी 2 यहाँ बैक पर आ जाएगा और यहाँ पे x की पावर आ जाएगी 2 माइनस 1 और फिर x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और फिर प्लस 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 आ जाएगा. सो फाइनली ये हमारे पास 2 x की पावर 2 माइनस 1 2x आ जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 2x ही आएगा. तो इस वजह से ये हमारे पास यहाँ पे 2x आ गया. नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे होगा कुछ इस तरह से कि ये 1 प्लस ये अब यहाँ पे देखें ये 2 और ये 2 ये 2x प्लस 0 2x ही आता है. ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए तो ये हमारे पास आ गया जी x स्क्वायर प्लस 1 सारे की पावर माइनस 1 ओवर 2 और यहाँ से x बचा हुआ था x यहाँ पे साथ आ गया. और नेक्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ इसे इस तरह से किया कि ये 1 प्लस ये x ये देखिए ये इसकी पावर है माइनस 1 बाई 2. ये अगर हम इसे डिनोमिनेटर में लेके जाएं यानी बटे के अंदर लेके जाएं तो इसकी पावर आ जाएगी प्लस 1 बाई 2. तो ये आ जाएगा x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 की पावर प्लस 1 बाई 2. नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम ले लेते हैं. ये इसका एलसीएम लिया तो ये एलसीएम हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1 की पावर ये जो 1 बाई 2 है इसको हम स्क्वायर रूट लिख लेते हैं. ये यहाँ पे ये x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 ओवर 2 यानी स्क्वायर रूट जो है ये यहाँ पे आके इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा जी x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस x. अब आप यहाँ पे देखें तो ये x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट और ये भी x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट ये यहाँ पे और ये यहाँ ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो फाइनली हमारे पास dy by dx जो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट करके इसे अब हम सिंप्लीफाई कर रहे थे तो dy by dx हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट. इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें. हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathhimath.com.